नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक व्यक्ति के बीच सड़क पर झड़प, सोशल मीडिया पर मामला वायरल। डोईवाला में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, दो लोग हिरासत में। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज, यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर लगी 6 मई तक रोक। अल्मोड़ा में गुलदार ने युवक को बनाया निवाला, फयातनौला गांव में दहशत का माहौल। यमुनोत्री जा रहे राजस्थान के यात्रियों की बस हुई हादसे का शिकार, बाल बाल बची लोगों की जान। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मंगलवार की दोपहर हरिद्वार रोड पर स्थानीय युवक सुरेंद्र सिंह नेगी निवासी शिवाजी नगर ऋषिकेश के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंत्री के सुरक्षाकर्मी सहित खुद मंत्री अग्रवाल ने भी युवक की सड़क पर जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। बताएं कि प्रेमचंद अग्रवाल के युवक को थप्पड़ जड़ने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया को सत्ता की हनक बताया है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नजदीक कोठारी मोहल्ले में मंगलवार की सुबह झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। युवक की पहचान 26 वर्षीय धर्मेंद्र गैरोला के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र मूल रूप से टिहरी गढ़वाल का रहने वाला था। वर्तमान में वो जौलीग्रांट में किराए के मकान में रहता था। युवक की मौत की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। केदारनाथ धाम में पल पल मौसम मिजाज बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण धाम में ठंड बढ़ गई है। वही मौसम के तल्ख मिजाज को देखते हुए रुद्रप्रयाग डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन 6 मई तक के लिए रोक दिया गया है। साथ ही तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद आगे की यात्रा करने की अपील की है। अल्मोड़ा के फयातनौला गांव में ग्रामीण युवक को गुलदार ने निवाला बना लिया। ग्रामीण का शव गांव के पास ही झाड़ियों में शत विशत अवस्था में मिला है। इस घटना के बाद ग्रामीणों के होश उड़े हैं। ग्रामीण अब घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर मंगलवार दोपहर हादसा हो गया। डाबरकोट और सियाना चट्टी के बीच यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में आधी लटक गई। बस के खाई में लटकते ही वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में 28 यात्री सवार थे। प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र बहुगुणा का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। यात्रियों को दूसरे बस से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा को पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैठानी 3 मई को विशोन पर्वत से हरिद्वार लेकर आएंगे, जो कि हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अनुष्ठान के पश्चात उत्तराखंड भ्रमण के लिए रवाना होगी। हरिद्वार के भारत माता मंदिर के श्री महंत एवं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी महाराज ने डोली यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की। रुड़की में बेकाबू बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कंपनी में कार्यरत 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। अब पुलिस बस चालक को खोज रही है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग गायत्री स्टील प्लांट में काम करते हैं। तीनों गोदावरी होटल के पास किराए पर मकान लेकर एक साथ रहते थे। मामले में मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मीनवाल ने बताया कि अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। लाभांश और मानदेय की मांग को लेकर सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने के कारण अब कंट्रोल की दुकानों पर गरीबों को मिलने वाले राशन का संकट खड़ा हो गया है। राशन विक्रेता हर माह 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में राशन का उठान कर 1 तारीख से कार्ड धारकों को राशन देने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल माह में राशन का उठान नहीं होने के चलते 1 मई से मिलने वाले राशन पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मनरेगा की बजट कटौती पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका मानना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में कटौती अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत ही सावधानी से परिकल्पित कानून को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रही है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान तक वर्षा बर्फबारी का क्रम बना हुआ है। चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में मूसलाधार वर्षा आफत बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बने रहने का अनुमान है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।